और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ले रहे हैं बैठक, डीएमएफटी डीएलसी की ये बैठक ले रहे हैं और कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक चल रही है। जिले के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक चल रही है। जिले के तमाम आला अधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ये बैठक ले रहे हैं और डीएमएफटी डीएलसी की ये बैठक ले रहे हैं और यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, इन मुद्दों को भी जानेंगे। और इस बैठक में जिले के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक चल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से बैठक ये की जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और यहाँ पर डीएमएफटी डीएलसी की ये बैठक ले रहे हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। और बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि ज़िले के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। किन बातों किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है ये भी आपको बताएंगे। इस बैठक में आपको बता दें कि तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक चल रही है और ज़िले के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ बैठक में मौजूद हैं। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ये बैठक ले रहे हैं, तो क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है ये भी जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से बैठक की जा रही है बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा भी की जा रही है। दरअसल इस बैठक में जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक चल रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से ये बैठक की जा रही है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, बैठक को लेकर क्या जानकारी और इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? जी देखिए, एक तो अजमेर के डीएलसी जो दरें हैं उनको लेकर बात होगी और दूसरी जो मीटिंग है वो डीएमएफटी की है। उसमें जो है तय किया जाता है कि जो खनिज विभाग है उसके तमाम अधिकारी मौजूद है, जो खनन से जो एक फंड मिलता है उस फंड को किस तरह खर्च किया जाए उस पर जो है बैठक ली जा रही है। रघु शर्मा यहाँ मौजूद है। देखिए, रघु शर्मा की ये खासियत है कि वो समय पर पहुंचते हैं। आज भी जो है जो 10 बजे की मीटिंग थी वो 9:55 पर ही यहाँ पहुंच चुके थे। वो यहाँ पहुंचे लेकिन जिला कलेक्टर यहाँ मौजूद नहीं थे। जिला कलेक्टर उनके बाद पहुंचे, तमाम अधिकारी उनके बाद पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पूरे कलेक्ट्रेट में ये भी चर्चा बनी रही कि रघु शर्मा पंचुअलिटी से और समय की जो है पंचुअलिटी उनके पास कितनी है। वो यहाँ पहुंचे, अब बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। खासतौर से पहला निर्देश यही था कि समय का ध्यान रखें, समय पर पहुंचे। और उसके बाद अब जो है डीएलसी दरों पर चर्चा की जा रही है, खनिज विभाग के अधिकारी है इनसे चर्चा की जा रही है कि जिस खनिज क्षेत्र से जो फंड मिला है उसे उस इलाके में किस तरह खर्च किया जाए, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, इन पर खर्च करने को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर मौके बैठक में मौजूद है, उसके अलावा सीएमएचओ और तमाम खनिज विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। चिकित्सा मंत्री उन्हें लगातार जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह सरकार की जो गुड गवर्नेंस की छवि है उसे और आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल भूपेंद्र, तो यहाँ पर जो खामियां नजर आई थी कामों को लेकर अब उन्हें दूर किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, देखिए जो खनिज विभाग में कई समस्याएं हैं, खनिज विभाग की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उसके अलावा जो फंड मिलता है उस फंड पर खासतौर से चर्चा की जा रही है कि जिस इलाके में सड़क की समस्या है वहाँ सड़क बनाई जाए, चिकित्सालय की कमी है तो चिकित्सालय बनाया जाए, और पानी की व्यवस्था खासतौर से अजमेर में पिछले कई दिनों से देखी जा रही थी कि पानी की बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिली थी। तो चिकित्सा मंत्री खुद इस बात को लेकर गंभीर थे, उन्होंने खुद बिसलपुर पाइपलाइन के सेकेंड फेज का काम शुरू करवाया। अब ये फंड है, इस फंड का भी उपयोग कहीं ना कहीं दूर दराज के जो क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया वहाँ पानी पहुंचाने के लिए काम में लिया जाएगा। खासतौर से केकड़ी के पास ही विजयनगर है, विजयनगर में पानी की कमी थी, मसूदा में पानी की कमी है। इन तमाम इलाकों को देखकर जो है तमाम कार्य योजनाएं बनाई जा रही है और उसी को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल भूपेंद्र, तो जिस तरीके से भी आपने बताया है कि पानी की किल्लत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर भी यहाँ चर्चा की जा रही है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। भूपेंद्र, अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो बैठक है, कब तक ये बैठक चलेगी? जी देखिए, बैठक लगभग 2 घंटे चलने की जो है बात निकल कर सामने आई है। उसके बाद चिकित्सा मंत्री यहाँ से पत्रकारों से रूबरू होंगे और उसके बाद केकड़ी जाने का कार्यक्रम है और शाम तक अजमेर पहुंच जो है जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है ये बैठक। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि वित्त विभाग से जुड़ी बैठक है, क्योंकि एक बड़े रकम जो खनिज विभाग को मिलती है उसके खर्च को लेकर जो बैठक है, तमाम एक एक रुपए जो खर्च किया जाता है वो आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी की समस्याएं जो है उन्हें दूर किया जाए, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो फंड किस तरह खर्च किया जाए उस पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि चिकित्सा मंत्री अजमेर के ही रहने वाले हैं तो उन्हें स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में अच्छी तरह पता है, तो वो एक एक चीज के बारे में दिशा निर्देश दे रहे हैं। खासतौर से जो मसूदा और किशनगढ़ और केकड़ी का जो इलाका है वहाँ पानी की बड़ी समस्या देखने को मिली थी, तो उस पर खासतौर से फोकस किया जा रहा है कि उस समस्या को कैसे जो है स्थायी हल किया जाए, पानी को जो है स्टोरेज के लिए व्यवस्था की जाए, उसके अलावा बिशलपुर पाइपलाइन की व्यवस्था है तो उसको जो है दूरदराज के गांव है उनसे जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो है फिलहाल बैठक में चर्चा चल रही है। बिल्कुल भूपेंद्र, तो जिस तरीके से भी आपने बताया कि ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है, दरअसल यहाँ पर जो खनिज विभाग को फंड मिलते हैं उसको किस तरीके से खर्च करना है और क्या कुछ आगे की रोड मैप होंगे, किस तरीके से ये खर्च जो है वो आम जनता तक पहुँचना चाहिए, और पानी की किल्लत को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हुए हैं कि आखिर ये जो जल संकट उत्पन्न हो रहा है उसे कैसे दूर किया जाए। भूपेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बैठक जो है तकरीबन 2 घंटे तक चलेगी और इस बैठक में तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जा रही है और यहाँ जो खनिज विभाग को फंड मिलते हैं उन्हें किस तरीके से खर्च करना है जिससे वो आम जनता तक पहुँच सके, और पानी की किल्लत को भी लेकर यहाँ पर लगातार बैठक की जा रही है क्योंकि पेयजल की जो संकट है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनको कैसे खत्म करना है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो इसको भी लेकर लगातार चर्चा की जा रही है।